भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्प दत्त जैन की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों एवं वरिष्ठ व्यापारियों के समन्वय बैठक का आयोजन बैंक स्थित एक होटल में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पुष्प दत्त जैन, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, एसपी सिटी डॉक्टर कौसदुम, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, व्यापार प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष रितेश जायसवाल, राजू शर्मा, विकास जालान, अंचिंक्य लहाड़ी सहित विभिन्न संगठनों के व्यापारी प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर आयोजकों द्वारा अतिथियों का अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बैठक में व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई तथा उसे अधिकारियों के समक्ष रखा गया, जिस पर अधिकारियों ने उसके उचित समाधान का आश्वासन दिया गया। बैठक के संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पुष्प दत्त जैन ने कहा, हमारे बीच मैं अपने ऐसा हमारे बीच पहली बार आए हैं। सीताराम जायसवाल जी को भी मैं वेलकम करता हूं। अपने भी दबाव का स्वागत दिए, हमको सीओ साहब रविंद्र जाइए, सीओ साहब का स्वागत सर सर मैं गांव से निजात पाने के लिए नालियों से अतिक्रमण हटाने की मुहिम हमारी शुरू हुई तो आपका जबरदस्त सहयोग मिला, तो एक बार अपने सहयोग के लिए धन्यवाद। और जब मैं अतिक्रमण हटा रहा था तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोगों ने कुछ समय मांगा और उस समय के अंदर करके दिखा दिया। मैं ऐसे लोगों का स्वयं भी अनुकरण करना चाहता हूं कि आपने समयबद्ध तरीके से कार्य किया। कुछ लोग थे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, तो इस मंच के माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। और आपके बगल में मगर है, कबीर से आपका बहुत पुराना रिश्ता है। जब मैं खड़ा होता हूँ किसी नाली का अतिक्रमण टूटवाने के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उसमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो दो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है वो। ये आपकी आकाई सर आपको सौंप रहा हूं और इसको सुंदर रखना, हमारा तो कमाई तो नौकरी है, हमारे रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन आपका कर्तव्य और शहर खूबसूरत होगा। एक बार कल्पना करके देखिए, एक बार आंखें मूंदिए कल्पना करिए कि ये चौराहा और जितना हमारा रेती चौक, बख्शीपुर, इस तरह के कॉमर्शियल इलाके हैं कि बहुत खूबसूरत हो गए हैं, चौड़ी सड़कें हो गई हैं और चौराहों पे फवारे लगे हैं, इस तरह का शहर रहेगा तो आपको कितना अच्छा लगेगा और गोरखपुर की नई पहचान बनेगी। इसलिए मैं कहता हूँ शहर के बारे में सबसे ज्यादा आप जानते हैं। जिलाधिकारी के तौर से जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी निभाऊंगा। एक चीज में शुरू कराना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कन्वर्ट करने का। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लोग तो कभी सुने होंगे, ट्रिलियन क्या चीज होता है, हम लोग अरब ज्यादा से ज्यादा करोड़ सुनते होंगे, नहीं तो अरब खरब तक चीज जानते हैं, उसके बाद कितने शून्य जोड़ना है उसको तो कैलकुलेटर से डालना पड़ता है। अमेरिका है और जापान है, तो 3 चाइना है, चाइना भी आ गया। अभी हम यदि आएंगे तो सिर्फ 5वीं नहीं तो 6वीं जो देश होंगे। अब जानते हैं जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है दुनिया में चाइना के बाद, और
पांच ट्रिलियन इनने जो ये भी नारा दिए हैं उसका अर्थ तो बहुत गहराई से आपको देखना होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये नारा दिए हैं पांच ट्रिलियन यदि भारत को करना है तो कम से कम एक ट्रिलियन इकोनॉमी तो उत्तर प्रदेश में होना तब वो भारत को। उसी के जोड़ते हुए मैं गोरखपुर में कहता हूँ, गोरखपुर में हमारे भी ऐसे जिलाधिकारी लक्ष्य होता है, यहाँ 1500 व्यापार कर और एक्साइज में 900 को आश्चर्यजनक है, ये हर साल दोगुनी बढ़ती जा रही है और अच्छी है, ताकि ये जो हमारा साथी लोग अच्छा है इसलिए तो देश बढ़ रही है, इसलिए तो प्रदेश बढ़ रही है। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ताकि हम लोग का और बाकी देश का जो व्यापारी आपस में ये मन में बहुत फर्क है, हमने तो इसी सर्विस में तो बाहर जाने के लिए बहुत बार मौका मिला है, हम भी गए हैं, इटली गए हैं, सिंगापुर गए हैं, अमेरिका गए हैं, वहां तो देखेंगे आप तो कितने जो बड़े बड़े मिलीनियर मिलीनियर गिनेंगे, बिल गेट्स से लेके वॉरेन बफेट से लेके और फेसबुक का ज़करबर्ग है, जो भी है इन लोग कमाने के बाद क्या करते हैं, अपने संपत्ति में अधिकांश पैसा वापस कर देती है सरकार को, नहीं तो वहां अपने जो समूह के लिए दे देती है। मिरिंडा गेट्स के बड़ा फाउंडेशन है, यहाँ भी जो एड्स के लिए, पोलियो के लिए, भारत ऐसे जो हम लोग डेवलपिंग कंट्री कहते हैं अफ्रीका में, बहुत सारे देश में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। अब यहाँ भी देख सकते हैं, पहले भी हम लोग पहले एक ऐसे लोग थे यहाँ जो बुल्ला वाले, तो आप जानते हैं बुल्ला वाले बहुत मन में करते हैं, ताकि उनका मन में है कितने पैसा खर्च करते उतने उनका भगवान वापस करता है, ये पहले व्यापारी के मन में होता था ये भाव, अब पता नहीं कहीं बीच में कहीं हम गायब कर रही है। देखिए तो बाकी चीज में टैक्स सिस्टम भी देखिए भारी लगता है हम लोग, तो भैया इससे क्यों चला है, रोड खराब है, ये बिजली खराब है, कहां देना हमसे, क्यों नोच रहे हैं बार बार सरकार में, क्या हमसे छीन रही है पैसा। अब देखिए तो हम लोग का सिस्टम भी मजबूत करना है, हमें भी मजबूत करना है, देश को भी मजबूत करना है, तीनों चीज हम लोग के सामने चुनौती है, जरूर ये चुनौती है, बट ये सिस्टम और हम और देश मजबूत नहीं रहेगा, आगे वाली पीढ़ी कहाँ रहेगी, तो ये हमारा देश है, ये हम ही लोगों को सही करना है, कहाँ कहाँ जो ये कहीं तो मान लीजिए कहीं वो जो है पैचवर्क करना है, कहीं तो इलाज करना है, सही करना है, हम सबका कर्तव्य है, इससे भाग नहीं सकते, भाग के कहाँ जाएंगे, बाहर किसी भी देश में जाएंगे तो ट्रंप साहब तो अभी तो वीजा ऐसा बंद कर दिए, वापस आना होगा वहाँ, किसी भी देश में जाएंगे एक दिन तो पकाना ही पड़ेगा वहाँ, कितने भी कमाएंगे तो हमारा देश जैसे नहीं होगा, बट इसी का तो पुराने वातावरण का लाना होगा, और साथ साथ में ये तो आपका जो जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है, तो साहब हम तो टैक्स तो दे रहे हैं तो आप बेसिक सुविधा तो दो, आप तो देख ही रहे हैं तो पिछले कई साल से बिजली का व्यवस्था तो काफी स्तर तो ठीक हो गया, रोड तो ठीक हो ही रहा है, गोरखपुर का मैं तो गिनूंगा तो फिर इस समय में तो तकरीबन 1,00,000 रोड का विकास का काम चल रहा है, कितने काम हुए ट्रैफिक का समस्या है, रोड पतला है, उसी से लेकर समस्या है, और उनका एक जगह विकसित कराने के लिए तो विस्तार से योजना हम लोग के पास नहीं है, उससे समस्या था, ये समस्या का हम लोग नगर साहब है तो सभी लोग मिलके योजना बना करके हम प्रयास कर रहे हैं, नवरात्रि के पहले इन लोगों को विकसित कराते हैं, फिर कम से कम तो खुला रास्ता तो मिल जाए और खुला नाली और जो ये जो कितने 15 लोगों का बस का नहीं, तब तक आप हम लोग से कंधे उठ सहयोग नहीं करेंगे, कम से कम तो मनोबल नहीं देंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, तो इसको ताकि तो इसको हम 4-5 लोग हैं बट ये 7 लाख का जनसंख्या है, हम कैसे कर पाएंगे, तब तक आपका सोच विचार में ये एक भावना रहेगा तब ये संभव होगा। मैं चाहता हूँ आप जो कितने खर्च करते हैं उसको 100 गुना जो आपका उसका फायदा हम निकाल के देंगे, ये हम लोग का काम है करना है। और दूसरा जो देखे होंगे पहले से सुरक्षा से हम लोग काफी हद तक से तो सही कर दिए, 2-3 धप्पाबाजी के इंसिडेंट तो होता रहता है, हम लोग उस पर ध्यान से उसको भी खोल रहे हैं, जो आपका सुरक्षा का तो बहुत टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं, ऊपर से भी निर्देश है और हम लोग भी अधिकतम जगह तो CCTV लगा करके कैसे आपको सुरक्षा कराया जाएगा उसको पूरा ध्यान रखते हुए करते हैं, और साथ साथ छोटी भी आपका छोटी बड़ा समस्या जो भी होता है तो किसी व्यापारकर से है किसी से भी महीने में हर महीने तो हम लोग का जो मीटिंग तो मैं रखता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कितने लोग हमारे साथ जो मीटिंग में जो आए हैं तो कृपया करके आ जाए, उस पर विस्तार से हम डिटेल में बात करते हैं, एक एक जो व्यक्ति का जो मान लीजिए किसी के बिजली बिल का गड़बड़ हो गया उसी के भी तो पूरा डिटेल में हम चर्चा करते हैं, जेन्युइन होता तो तुरंत उसको हल कर देते हैं, उसका हमारा पास भी मंच है, और मैं चाहता हूँ नगर निगम का भी तो मेरे हिसाब से भी निवेदन करता हूँ एक मीटिंग मंथली आपके लेवल से भी हो जाए, ताकि ज्यादातर इनका नगर निगम से लेके समस्या है,
आपको नारायण साहब मिलकर थोड़ा बहुत तो हल कर सकते हैं हमको, और बाकी चीज तो यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री को चाहते हैं तो हर 3 महीने में एक बार तो आपके आपस में मीटिंग कराना चाहते हैं, प्रयास करते हैं। सभी जो गोरखपुर का जो व्यापार मंडल है बहुत ही पॉजिटिव नेचर का है, बहुत ही अच्छा लोग है, कि मैं चाहता हूँ गोरखपुर एक अच्छा हब के रूप से उभर के आ जाए। और यहाँ तो जल्दी हम लोग एक्सप्रेस हाईवे के जमीन को ले लिया, इंडस्ट्रियल हब के लिए भी 10,000 एकड़ लेने का प्रारंभ कर दिए हम लोग काम। हम चाहते हैं तो नोएडा जो गाजियाबाद जैसे यहाँ भी ऐसे कुछ खुल जाए ताकि यहाँ भी तो तमाम इंडस्ट्री पनप के एक एक तरफ से एक अलग स्वरूप के रूप से गोरखपुर उभर के आ जाए। ये सबका आपको आपके साथ है, हमेशा साथ रहेंगे। जय हिंद जय भारत। यह व्यापारी प्रकोष्ठ भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ जो है आरएन गोरखपुर में जो बना हुआ है, हम लोगों का व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश में नया गठित हुआ है और इस अभी कुछ ही दिन हुआ फरवरी में ही गठित हुआ है। तो इसमें हम सभी व्यापारियों को उनको संगठित करके और अपने व्यापार को मजबूत करने के लिए दिशा में, और जो उनके ऊपर अत्याचार या किसी प्रकार का प्रताड़ना हो उसके लिए हमने यह बैठक बुलाई है। बहुत दिनों बाद यह बैठक जो है महानगर में बुलाई गई है और इसमें करीब करीब 40 संगठनों के व्यापारी इसमें आए हैं। गोरखपुर में काफ़ी व्यापारिक संगठन मजबूत है और पहले भी मतलब इसमें व्यापार में हम लोगों की वृद्धि होती रहती है और सब जब हम लोग संगठित रहते हैं तो व्यापार करने में भी अच्छा लगता है और व्यापारी जब मजबूत रहते हैं तो कार्य भी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। ऐसे में हम व्यापारी समाज को अच्छी सहूलियत दें इसके लिए हमने यहाँ के जिलाधिकारी, SSP और बिजली विभाग, सेलटेक्स विभाग, अन्य अन्य विभागों से यहाँ के अधिकारियों के साथ बैठक यहाँ पर बुलाई है और सब लोगों ने व्यापारियों ने मिलजुल करके इस बैठक को सफल बनाया है और उन्होंने अपनी समस्याएं जो अधिकारी हैं उन्होंने भी व्यापारियों से शेयर किया है और आगे भी इसी तरह से हम लोग मिलजुल करके व्यापारियों के सहयोग में उनके उनका उत्पीड़न न हो, जो भी पुलिस विभाग है, थाने हैं, उनमें जा करके अपनी बातों को कह सकें, जिलाधिकारी के पास अपनी बातों को कह सकें। एक परिचय स्वरूप यहाँ पर हमने सबसे जो भी लोग हैं हमारे व्यापारी आए हैं सबका परिचय अधिकारियों के सामने हुआ है और यह अपनी बातों को मजबूती से वहाँ अधिकारियों के सामने रखेंगे और इनकी बातों को अधिकारियों ने कहा कि मैं सुनूंगा और क्राइम विभाग जो भी है वो हर महीने यहाँ पर जो है मीटिंग करती है और इस तरह से हम लोग जो है व्यापारियों को का जो उत्पीड़न है उसको समाप्त करने में पूरी हम लोग सफलता से कार्य कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, मैं यही चाहता हूँ।